ये नहीं करना कि चाह खत्म हो जाए, अभ्यास ये करो मेरी आत्मा में स्थिति हो जाए। जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति है वो शुभ अशुभ से ऊपर है, और जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है कभी उसको शुभ इच्छा घसीटेगी कभी अशुभ इच्छा घसीटेगी। जीव भाव में ये संभव नहीं है कि चाहना पैदा ना हो। जहाँ जहाँ जानोगे मैं हूँ वहाँ वहाँ इच्छा पैदा हो जाएगी। वैसे ही एक अभ्यास है कि चाह को वैराग्य से वश कर सकते हो पर चाहना उठे नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास है अपने स्वरूप का निश्चय। जागृत हो जाओ अपने आत्म स्वरूप में, क्योंकि जब बुझा ही नहीं होगा इच्छा कहाँ से आएगी। आज इंसान अपने आप को पागल भी कह बैठता है, दिमाग खराब भी कह बैठता है तो भी बुरा नहीं लगता, पर यही शब्द अगर दूसरे से आ जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। बोलते हैं अपने आप को भी कई बार, मेरा भी दिमाग खराब है, बुरा नहीं लगता, मैं भी पागल हूँ। लेकिन यही शब्द अगर सामने से आएगा वहां पर फिर मन बहुत अशांत हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसने ऐसी बात क्यों करी, ये ऐसे ना कहता, दूसरा देखा इच्छा हो गई। तो सब में बढ़िया बात है अपनी आत्मनिष्ठा में रहो। पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक का लेक्चर यहाँ पे लिखी है, नो दाइसर। बार बार अपने स्वरूप में रमण करो, बार बार अपने निश्चय का प्रयास करो, क्योंकि एक यही अभ्यास है जो आपको हर विकार से छुड़ा सकता है, और कोई भी अभ्यास नहीं है जो आपको छुड़ा सके। एक ही प्रयत्न अपने स्वरूप का निश्चय, और उसके लिए बार बार आत्म विचार चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कितना अभ्यास करें कैसे करें, लेकिन मेहनत कोई नहीं है। ज्ञान मुश्किल है या आसान है, ज्ञान कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, ये थोड़ा शुरुआत करने में लगता है जैसे कठिन है, पर एक बार मज़ा आ जाए, अब समझो गुरु से ही प्यार होता है, तो बार बार उनकी स्मृति कोई थकाती थोड़ी है, मजा ही आता है। बल्कि और लगता है जो थोड़ी देर की भूल पड़ती है वो भी ना पड़े, लगता है ना। ऐसे इस आत्म अभ्यास में भी बड़ा मजा है, जब एक बार रस आ जाएगा फिर अच्छा लगेगा। एक बार जब आपको लग जाएगा शौक अंदर से तो आपको मजा आएगा, पर एक बार कोशिश तो करें ना। जब कोशिश नहीं है तो परेशानी फिर लगता है मुश्किल है। किसी भी बात की शुरुआत थोड़ी को कठिन है, और कुछ नहीं, एक बीपी की शुगर की डॉक्टर रोज की दवाई दे देता है। शुरू में तो महीना डेढ़ वो भी उलझन करती है, क्या याद रखो, सुबह गोली खानी है, शाम गोली खानी है, अरे डिनर से पहले खानी है, डिनर के बाद खानी है, शुरू में तो वो भी उलझाती है, पर फिर प्रैक्टिस हो जाती है। फिर किसी को याद रहे ना रहे खुद को याद होता है, मैंने गोली खानी है, फिर खाना खाना हो गया ना अभ्यास। शुरू में हर चीज उकताती है, कभी तंग करती है, कभी कैसे होता है, लेकिन फिर मजा आ जाता है। पढ़ाई करते थे, अब शुरू में तो कठिन ही लगता है, पर बाद में जब स्कूल में फ्रेंड्स बन गए, पढ़ाई अच्छी लगने लगी, अच्छे नंबर आने लगे, फिर तो घर में भी फंक्शन हो सारे घर की छुट्टी कर ले, नहीं नहीं स्कूल से आएंगे फिर चलेंगे, मूवी देखी शाम को देखेंगे, फिर नहीं करनी छुट्टी उनको। यहाँ भी एक अभ्यास आपको शुरू करना पड़ेगा। ताजुब है थोड़ा सा, जो तुम है उसी को याद करना, पर मजबूरी है भूल पड़ गई है तो अजीब सी बात ना। जो तुम है उसी को बार बार याद करना, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, विचार भी अजीब ही रहते ना,
बुद्धि अगर विचार नहीं देंगे तो फिर विकार नहीं कटता, पर विचार से विकार कट जाता है, इसीलिए कोशिश अपने साथ करते हैं। फिर जब स्वरूप की बात करो विकार का, एक ये भी अनुभव करना बात, स्वरूप की बात हम बार बार करते हैं तो फिर इतना अभ्यास हो जाता है, एक स्मृति मात्र आपको रोमांचित कर देती है। ये भी इस अभ्यास में बड़ा मजा, समझो पहले हमने कोशिश की, फिर हमको रस आने लगा, फिर कोई कारण बना, सिर्फ हमने याद किया, अंदर वाला इतना रोमांच से भर जाता है, स्थिति भूल जाती है, परिस्थिति भूल जाती है। जैसे गुरु से ही प्रेम है आपका, होता है याद मात्र रोमांचित कर देती है। कभी कोई भी कारण बन जाए सामने और अचानक ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, देखते हो अंदर वाला कितना रोमांचित हो जाता है, भगवान को याद किया, भगवान की बात याद की, रोमांच से भर गया। ऐसे ही आत्म अभ्यास में भी होता है, रोमांचित हो जाता है जी, एकदम अंदर ऐसे लगेगा जैसे रस भर गया, तो फिर हालत तो भूल गई, हम आप से आप में रमन करने लगे, अपने आनंद में आ गए। पर एक बात को रस चखाना पड़ेगा, ये जो बात बोली गई, जब ये रस आ गया तो वो रस नहीं था, ये बहुत अनुभव की बात है। एक बार ये रस सच्चाई से आ जाना चाहिए। मुश्किल क्या होती है, कई लोग प्रिटेंड करते हैं, हाँ हमें भी रस आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है, प्रिटेंड नहीं करना, इसको सचमुच अंदर से प्रकट करना। जब ये प्रकट होता है तो फिर बहुत आनंद है, अगर ये प्रकट नहीं होगा, सिर्फ प्रिटेंड करेंगे, फिर इसका कोई इफेक्ट अनुभव में नहीं आएगा जो आना चाहिए। पर एक बार आ गया, सचमुच आपके बाकी सारे रस जीते जाते। एक बार अपने स्वरूप में निश्चय हो गया, भरपूरता फील कर ली अंदर से, उसके बाद आपके पास भयमुक्ता नहीं बचती। भयमुक्ता किसके पास बचती है, जिसके पास अपने स्वरूप में रमण नहीं। जब हम रमण करते हैं ना अपने में, कभी कभी कोई ख्याल बहुत अच्छा लगता है, कोई बात बहुत अच्छी लगती है, हम लोग उसमें उसी चिंतन में रहना चाहते हैं, आनंद होता है हमको, हम उसी चिंतन में रहें, उसी मौज में रहें, उन्हीं भावों में रहें, ये फीलिंग होती है अंदर सबको। और जब आप उन फीलिंग्स में रहते हो तो फिर आपको उतनी मजा आता है। ऐसे ही आत्म विचार है, जब हम इन फीलिंग्स में रहते हैं हमें खुद को आनंद आता है, हमें खुद को अच्छा लगता है और हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे कोई अच्छा सपना देखते हो फिर आप उस सपने से बाहर नहीं निकलना चाहते, कोई जगह भी नहीं उलझन होती, लगता है मैं फिर से सो जाऊं, शायद वो सपना दोबारा आ जाए। जब ये आत्म अभ्यास हो जाता है फिर हम खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते, ऐसे लगता है सारी बातें बहुत छोटी हैं, ये विचार बहुत अच्छा है, हम इसी ज्ञान में रहें, इसी भाव में रहें, इसी बात में रहें, इसी आनंद में रहें, बहुत बढ़िया। अपने आप ही अंदर से हर अभाव जैसे भरने लगता है, ऐसे लगता है संसार में तारकवश तो बहुत सारे अभाव हैं, और जो अभाव हैं उन अभावों के कारण कहीं ना कहीं छाएंगे। लेकिन ये ज्ञान का अभ्यास हमारे सब अभावों को भर देता है। आज कितने लोग हैं जिनके साथ सांसारिक दृष्टि से बहुत ट्रेजिडीज भी हो गई, किसके पति चला गया, किसका कुछ हो गया, आज हम पूछते हैं, कहते हैं ज्ञान देव हमारा सच्चा पति, ये जो ज्ञान है इसने अंदर का अभाव मिटा दिया। अभाव भी क्या था, मेरा सहारा कौन, मैं किसके सहारे जीऊं, मैं विधवा, मैं फलाना, ऐसे विचार थे गिराने वाले। अब क्या लगता है, सही और नहीं, मैं झूठ ना बोला, सच्चा पति परमेश्वर, अरे परमेश्वर तो मेरा पति बैठा है, मैं उसके सहारे जीऊंगा, मैं उसके सहारे चलूंगा। तो जैसे भी अभाव खत्म हो जाता, कईयों को धन का
ज्ञान धन मिल गया, भक्ति धन मिल गया, सच में सब अभाव खत्म हो गया, सब अभाव भर गया हमारे जैसे, किसी को बेटा नहीं था, अब लगता है जो चीज नहीं है शायद उसकी जरूरत भी नहीं, तो कर्म प्राणी के कर्म काटने के लिए मिले थे, अच्छा ठीक है नहीं होगा हमारा हिसाब किसी से। ज्ञान की ये समझ ऐसी है, आत्मा का ये निश्चय ऐसा है, ये आपके अंदर के सब अभावों को खत्म करता है। अब है देखो, अगर ध्यान से मान इज्जत ये सब भी इच्छाएं क्यों, अभाव है, अभाव किस चीज का है? अब समुद्र को अगर हम पानी से भरना चाहें कितनी बाल्टी पानी डालेंगे, कुआं भरना चाहें हम कैसे भरेंगे, नीचे का जो उसका अपना स्रोत है वो तो उसको भरपूर कर सकता है, वरना हम तो नहीं भर सकते ना उसको। हमारा जो स्वरूप है वो हमारा स्रोत है भरपूरता का, हम उस भरपूरता को बाहर से मांगते कर रहे हैं तो मिलेगी। कुएं को अगर भरना चाहते हो, इतना गहरा खोदा जाए जहां से पानी आने लगे, स्रोत निकल रहा है। अब आप लोग जैसे रात को नहीं भरोगे पानी, रात भर पानी आता रहेगा, सुबह देखोगे आधा कुआं हो गया, पौना कुआं हो गया, भर गया ना। अब आप इस्तेमाल कर लो, फिर भी निरंतर क्योंकि स्रोत चल रहा है वो उसको भरेगा, यही बात है। मतलब स्रोत तो भरपूर कर पाएगा, बाकी बाहर से कितनी बाल्टी पानी डालने पर भी हम उसको भरपूर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो आत्मस्वरूप में रहता है वो स्वयं को स्वयं से भरपूर कर लेता है। देखो बड़ा आदर हम अपने को देते हैं जब हम अपने स्वरूप का निश्चय करते हैं, ये सबसे बड़ा आदर है। अब दुनिया से जितनी इज्जत मांगते फिर कहीं ना कहीं तो बेइज्जती मिलेगी, कहीं ना कहीं तो अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, इसीलिए अंदर वाला थोड़ा रंज हो जाता है, परेशान हो जाता है, उलझन में आ जाता है। पर अगर हम अपने को भरपूर करना चाहते हैं तो अपने स्वरूप में आ जाए। अज्ञानी की क्या स्थिति है, उसको किसी से आदर चाहिए ही नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो आदर करेगा वो शरीर का करेगा। मेरे को कितने लोग जानते हैं जो मेरा आदर करेंगे, भगवान कृष्ण को एक अर्जुन मिला, उसको भी दसियों बार समझाना पड़ा मुझे ज्यों का त्यों जान, मुझे ज्यों का त्यों जान। अब भगवान तो खुश हो जाते, अर्जुन तो पैरों में गिरा पड़ा, पर पैरों में गिरने से होगा क्या, फिर भी शरीर को आदर देता है। पहले मुझे जाने तो मुझे आदर देगा ना, मुझे भगवान करके देखे। गीता भगवान को किसी ने बोला आपसे मेहमान नहीं चलते हैं, डर लगता है आपको, बोला डर नहीं लगता, लेकिन वहां ऐसे लोग बैठे हैं कौन मुझे भगवान देखेगा, सारे मेरे को लड़की करके देखेंगे। मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहां मुझे कोई भगवान करके जाने, मतलब क्या है, हर समय नित स्वरूप में रहते हैं। अब बड़ी रिस्पेक्ट अपने को दे दी जब अपने को भ्रम करके जाना, दूसरों से अब इज्जत चाहिए ही नहीं। कितनी इज्जत कोई कर देगा, स्टेज पे चढ़ा देगा, बुके पकड़ा देगा, मेडल पहना देगा, ट्रॉफी दे देगा, फिर भी किसको, ये सब शरीर तक सीमित पाते। पौधे को नमस्कार, अभी समझो हम कहीं जाते हैं, आप चार लोगों को बताते हो हमारे गुरु जी आए, लोग उठ के खड़े हो गए हाथ जोड़ के, मेरे को थोड़ी झुक रहे हैं, तो गुरु जी की पदवी ऐसी लोग उस पदवी को झुक रहे हैं, मुझे जानते हैं, मुझे तो मिले नहीं, मेरा तो ज्ञान सुना नहीं, मेरे को तो तत्व से उन्होंने जाना नहीं। इसका मतलब दुनिया का हर मान झूठा, अपने अंदर ही फैसला हो गया, संसार का हर सम्मान झूठा ही है। जितना मर्जी कोई दे, आज आपके घर के लोग मिल जाए, हम आपके घर आ जाए, भाई मेरे गुरु जी आए हैं, वो सारे पैरों में गिर जाएंगे, तो भी मेरे को जानता कौन है, मेरे को कौन जानता है, जो सामने आके बैठे उनमें से भी कितनों ने मेरे को ज्यों का त्यों जाना,
अब आ जाओ अपने निश्चय में, आपको मान के सही खत्म हो जाती है। जब इनका मान झूठा, इनका अपमान सच्चा है क्या? ना इनके मान में जाने की जरूरत, ना अपमान में जाने की जरूरत। अपने आप का भाव भर गया, टेंशन खत्म हो गई। क्या चाहिए किसी से? कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपने स्वरूप में रमण करने से अंदर अपने आप में भरपूरता फील होने लगती है। तभी बोला जाता है तेरा निश्चय तुझे तारेगा, और कोई नहीं तार सकता, तेरा निश्चय तुझे तारेगा। जब तू अपने निश्चय में है तो तुझे कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। किससे क्या इच्छा हो जाए? देखो सांसारिक लोभ लालच होता है तो इंसान को सारा दिन इच्छा घेरे रहती है। इससे ये फायदा ले लूं, इससे वो फायदा ले लूं। लोग अपने फायदों के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं। होटलों में पार्टियां होती हैं, कुछ होता है, मीटिंग्स होती हैं, लोभवश। मैं किसी को बुला के थोड़ा सा खिलाऊं पिलाऊंगा, अगला मेरा काम करेगा। ये सांसारिक लोगों की प्रकृति है कि वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, पर वो अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं। तो जैसे बदमाश आदमी होता है, गाय को घास डाल के दूध दुह लेता है, गाय घास खाने में मस्त हो गई, दूध चुरा लिया उसने। मालिक तक जब गाय पहुंची, दूध ही नहीं। अरे दूध कहां गया? वो तो बदमाश आदमी ने दो लिया। तो दुनिया में सब लोग कौन है? बदमाश है। कैसे बदमाश है? कि वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे आगे कुछ ना कुछ घास डालते हैं। मान का, इज्जत का, आपको फोन करके बुलाया, हेलो आप आ जाओ, फलाने होटल में मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, फिर उससे अपने स्वार्थ की बात निकाल। ये होते हैं लोग स्वार्थी। तो ये अंदर से किसी के नहीं होते। दुनिया का ये दस्तूर देखो, मैंने बोला ना चाह वैराग से वश होती है। अब दस्तूर देखो दुनिया का, समझ में आ जाता है कि ये दिल लगाने की जगह ही नहीं है। यहाँ तो सब अंदर से खोखले, हर कोई सोच रहा है दूसरे का बेनिफिट ले, फायदा ले। इसी चक्कर में आप देखो सत्संग में भी आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन गुरु से वफादार 1% भी नहीं है। सब अंदर से क्या सोचते हैं? जिससे जो फायदा मिले चलो ले लूं, जिससे जो लोग पूरा कर सकता हूं कर लूं। ये सब चक्कर हो जाता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर ये मान, इज्जत, ये सब भी मिल रहा है, दादा ने क्यों बोला मृग कृष्णा का जल है। मृग कृष्णा का जल जल दिखता है लेकिन रेत चमक रही है। यहाँ भी आपको बहुत लोग दिखते हैं, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ा नजदीक आ रहा है, कोई बड़ा लगता है जी नहीं पाएगा गुरु के बिना, लेकिन दादा ने बोला ये भी मृग कृष्णा का जल। सामने आ गए को दिखावा, वरना अंदर कुछ और ही है हिसाब के साथ। तो जब आप देखोगे कोठे चढ़, क्या बोला फरीदा, कोठे चढ़ के देखे। कोठा कौन सा है? वैराग का, आत्मा का, मतलब संसार के धरातल से ऊंचे उठ के देखा। कोई भी चीज देखनी हो ना, ऊंचाई से देखो तो बढ़िया दिखती है। जलूसी जा रहा, अब नीचे खड़े हुआ, आप तो भीड़ में ही पीछे पीछे हो जाओगे, पर जब ऊपर अपनी बालकनी से देखो, छत से देखो, रावण जलता हुआ देखने जाओ, अब भीड़ में मजा ही नहीं आता। राम जी तो नीचे ही रह गया, जो धनुष बाण चल रहा है, खाली जलता रावण दिखेगा। पर जिनके घर पास होते हैं वो छत पे चढ़ जाते हैं, पूरा सीन फर्स्ट क्लास दिखता है, और टेंशन भी नहीं, चाय पीते रहते हैं, रावण का जलना देखते रहते हैं। यहाँ भी बोला फरीदा कोठे चढ़ के देखा, ऊंचाई पे आना पड़ेगा। अगर हमने अपनी सोच सांसारिक सोच वाली रखी, अगर हम दुनिया वालों के धरातल पे ही खड़े रहे तो काम नहीं बनेगा। कोठे चढ़ के देखा, ऊंचे उठ के देखना पड़ेगा, तब आप बनेंगे। अभी आप सत्संग सुन रहे हो, नींद कर लो, झपकियां खा लो, यूं पड़े रहो, गुरु का
अदा नहीं देखी तो ज्ञान भीतर नहीं उतरे, दर्शन सामने चाहिए होता। तो कोठे चढ़ के देखा, अगर जगत का स्वरूप देखना है या आपने ईश्वर का स्वरूप देखना है, ऊंचाई पे तो आना पड़ेगा। इस नीचाई पे बैठ के, देह की धरती पे बैठ के आपको उस ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। राम का दर्शन भी कोठे चढ़ के होगा, रावण का दर्शन भी कोठे चढ़ के होगा। रामलीला का रावण अगर मर रहा है तो कोठे पे देखोगे चढ़ के, तो पता चलेगा राम ने कैसे तीर लगाया, पता चलेगा रावण को कैसे तीर लगा। संसार का मिथ्यात्व और आत्मा की सत्यता, इन दोनों की अनुभूति के लिए आपको इस देह की धरती से ऊंचा उठना पड़ेगा। जब तक आप ऊंचे नहीं उठोगे काम नहीं बनेगा। यहां पर नीचाई का कोई काम नहीं, नीचाई माना धरती, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ यात्रा जरूर शुरू करनी पड़ती है। जब हम ऊंचे उठ के देखते हैं तो संसार का सारा हिसाब किताब समझ आ जाता है। हम लोग कभी भगवान के पास बैठते थे, कई लोग बड़े नजर आते थे प्यार करते हुए, आगे पीछे घूमते हुए, साथ लग लग के फोटो खिंचवाते हुए, और भगवान अंदर आके जब बात करते थे, अरे छोड़ अंदरूनी लोगों को पता है क्या, पता है हमको कितना प्यार है गुरु से, कितने सच्चे, और समझ आता था वो अंदर से कितना दूर है इन लोगों से। जो सच से वाकिफ हो गया वही तो दूर हो पाएगा। अब ये नहीं कि किसी के कर्म देख के ज्ञानी पीछे हटता है, लेकिन कर्म स्वभाव से एक परिचय मिल जाता है कि संसार के लोगों की औकात क्या है, एक परिचय मिल जाता है, और वो उस भावना से अपने आप को परे कर लेता है, अपने आप को एक डिस्टेंस पे कर लेता है। छोड़ेगा तो नहीं किसी को, प्यार भी नहीं कम करेगा, लेकिन अंदर से एक डिस्टेंस फील करना शुरू कर देता है कि सच नहीं, ये भी व्यक्ति सच्चा नहीं, कूड़ा, कूड़, झूठ जानता। अब हमको दिखता है बाहर से ज्ञानी को लाखों लोग प्यार करते हैं, ज्ञानी को भी अंदर मजा आता होगा, पर ज्ञानी को जानता है स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति की लोग सत्संग से भी इसलिए जुड़े रहते हैं, तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, फायदे होते हैं, बिजनेस लिंक्स बन जाते हैं, पर्सनल लिंक्स बना लिए, फायदे एक दूसरे से लेने शुरू किए, कई तो इस लालच से भी सत्संग से जुड़े रहते हैं। गुरु के लिए नहीं आते सब लोग, गुरु के लिए आए तो केवल गुरु में मन रखें, पर गुरु से फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ भी सर्कल्स बन जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं काम, यारियां दोस्तियां बन जाती हैं यहाँ भी, तो एक समझ आ जाता है ना कि ये व्यक्ति हमारे लिए नहीं, हमसे प्रेम नहीं, लेकिन इसको तो अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, तो ये रुझा के बैठ जाता है, तो अपने आप ही एक पूरी अंदर से हो जाती है। समझ आ जाता है कि नहीं, इसको सच नहीं चाहिए, ये व्यक्ति सच के लिए नहीं आया अभी। तो ऐसे आप संसार को देखो आपको समझ आने लगेगा, जिनमें आप इच्छा रख के बैठे भी हो समझो एक मिनट के लिए, जब आप संसार की सच्चाई का साक्षात्कार करोगे अपने आप आपका मन उनसे अचा हो जाएगा। और मुझे पता चले कोई यहाँ भी अपने बेनिफिट के लिए आता है, मेरे से प्रेम नहीं है दिखा रहा है, तो हम कितने दिन उससे आकांक्षा कर लेंगे, उसी क्षण अंदर से भाव छूट जाएगा ये व्यक्ति को अपने स्वार्थ का, है कि नहीं, अंदर से तो उतर जाएगा ना दिल से। अब आप कहते हो संसार मन से विसरता नहीं है, हम समझ जाते हैं, आपने अभी संसार की सच्चाई का अनुभव किया ही नहीं। अगर आप अनुभव कर लेते तो आपको संसार विसर जाता, उतर जाता आपके दिल से। संसार दिल से उतारना मुश्किल नहीं है, बस एक विचार की बात है,
जिसको विचार आ गया, करना विचार आ जाए, बात बन जाती है, समझ में आ जाए एक बार, कितनी देर लगती है। आज अगर आपको हम एक बच्चे का मिसाल बताएं, समझो एक छोटा बच्चा है, आपने घरों में देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, अचानक बच्चे का हाथ किसी पतीले को, कढ़ाई को, कुकर को लग गया, गर्म लग गया उसको। अब आप उसके सामने खाली कढ़ाई भी ले जाओ, बोलूं वो क्या कहता है, तत्ता, है ना, बच्चे करते हैं ना ऐसे, तत्ता, हट जाएगा वो। अरे बेटा ठंडा तो लगा नहीं तत्ता, क्योंकि वो एक बार चोट खा चुका। बच्चे को भी इतनी बुद्धि है, एक बार की चोट उसको अकल दे देती है। इंसान को क्या दिक्कत है, उसको उसकी चोट भी नहीं सिखाते, क्योंकि वो समझता है मैं सियाना हूं, मुझे पता है अब गर्म है अब ठंडा। अरे गर्म ठंडा तो जान रहे हो, लेकिन संसार का चक्रव्यूह भी तो पहचान लो, क्या हिसाब है संसार का, जरा विचार लो। विचार कर लोगे तो अपने आप ही मन खट्टा हो जाएगा, पर जब विचार नहीं कर पाते मन बंधा रहता, मन आशाएं करता है, मन उनको मेरा मानता है, और इसीलिए रोज उसको झटके भी लगते हैं फिर भी इच्छा रखता है। 100-100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, रोज 100 जूते खा रहा है पर तमाशा देखने से फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर तमाशा देखना चाहता है, फिर फंसना चाहता है, फिर उन्हीं में इच्छा रख के अपने आप को परेशान करता है। ये उसकी अपनी भूल है, क्योंकि विचार नहीं है। ज्ञान मान माना जो दो पल में बात को समझ जाए, देर नहीं लगनी चाहिए। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा, अगर झूठा झमेला समझ में आ जाए मन हटा लो, पर क्योंकि अभी सच्चा लग रहा है इसीलिए तो मन नहीं हट रहा, दुनिया के लोगों से मन नहीं हट रहा इसलिए उनकी इच्छा भी हो रही है, संसार सच्चा लग रहा है तो उनके पदार्थों में आसक्ति भी हो रही है। इस सब का रीजन कहां पर है, रीजन हमारा अविचार है। जिसने विचार कर लिया, जब एक बच्चा एक क्षण गर्म पतीले को हाथ लगा के सीख गया, जब तक कि इतना बड़ा ना हो जाए गर्म ठंडे को पहचान ना ले, तब तक वो तत्ता कह के उससे दूर रहता है। तो हमारी बुद्धि उस बच्चे जितनी भी विकसित नहीं है ना, इसका मतलब देखते हुए हम देखना नहीं चाहते, सुनते हुए हम सुनना नहीं चाहते, मुश्किल हमारे अपने साथ है। हम हर चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर वो जो जगत के प्रति एक झूठा भाव बना हुआ है ना, वो नहीं तोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप विचार कर नहीं सकते या बुद्धि नहीं, लेकिन एक जो झूठ में जिए जा रहे हैं, तो जैसे वो झूठा सपना भी ना टूटे हम वो लिंक जोड़ते रहते, देखना खोज के एक बार अपने अंदर यही सच्चाई है कि नहीं। जानते बुझते हुए भी मन अंदर से सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, देख रहे हो बीमारी आ रही है, दुख आ रहा है। अभी भी किसी ने चिट्ठी में लिखा है भाई पहले ऑपरेशन हो गया हस्बैंड का, पैरालिसिस हो गया, फलाना हो गया, दिख रहा है, डर लगता है इनको कुछ होना जाए, हो तो रहा ही है कुछ रोज, पर आंखें बंद है। भगवान ने तैयारी के लिए समय दिया है, एनीथिंग कैन हैपन, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। पर ये मन है, ये कहता है नहीं अभी तो
भगवान से आरजू कर, मिलते कर, इनको कुछ ना हो, ऐसा ना हो वैसा, कब तक जियोगे दुखी? सावित्री ने अगर प्राण बचा लिए सत्यवान के, फिर आज दोनों ही कहां हैं? जो आया सो चले से, सबकी आई बारी। सदा न संग सहेलिया, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई देश। फिर भी इच्छा हो रही है, जान रहे हैं, सबको जाना है, रहने तुमको भी नहीं, तुम भी जाओगे, उसके बावजूद इच्छा हो रही है फलाने को कुछ हो ना जाए। कभी देखो ध्यान से, अजीब सी बातें नहीं है? इंसान आंखें बंद करके भी खुले हुए, खोल के भी बंद है। बंद किए हुए कैसे खुली है? दुनिया का चिंतन नहीं छोड़ता। खोल के बंद कैसे हैं? देख रहा है संसार क्या, संसार की गति क्या, उसके बावजूद आसक्ति रखे बैठे। फिर इच्छा हो रही है, मालूम है प्रारब्ध से अधिक कुछ नहीं, फिर भी इच्छा हो रही है। मालूम है रिटर्न टिकट सबकी जेब में, फिर भी इच्छा हो रही है। ये विचार की कमी नहीं है तो क्या? ये अंदर चाहनाएं क्यों जागृत हैं? क्यों मन न चाह नहीं हो रहा? क्योंकि अपने आत्मस्वरूप में विश्राम ही नहीं पा रहा। अगर विश्राम पाना है, हम वापस अपने स्वरूप में आ जाए। बी एज यू वर, तुम जैसे थे वैसे के वैसे हो जाओ, अपने निश्चय में आ जाओ, तब काम बनेगा। अदरवाइज मन की ये खेचल खत्म होने वाली नहीं। विचार करो, जो जाने वाला है क्या हम उसको पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ सकते। जो छूटना है वो छूटेगा, जो रहना है वो रहेगा, ये दुनिया का खेल तो यूं ही चलेगा। अच्छा ये भी नहीं कि चलो हमारी इतनी हो, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, हमारी इतनी भी नहीं चलती। हमें एक्सेप्ट करना है तो करना ही है, मजबूरी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता इसका इलाज। आपको जो एक्सेप्ट करना है वो करना ही है, करो उसको एक्सेप्ट। जिस प्रभु से ना ही जा रहा, बातों कीजिए सब नमस्कार। लेकिन ज्ञानी की ये भी स्थिति नहीं है कि क्योंकि चारा नहीं है, पर वो वैसे ही राजी। दुनिया की अगर बात करें या ज्ञानियों की बात करें, वहां फिर ये स्थिति आ जाती है कि चारा तो नहीं है ना उनके पास, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो जब एक्सेप्ट करना ही है तो फिर ये शोर मचा के भी क्या करना, पहले से ही एक्सेप्ट कर लो, उसमें क्या डर है? पहले से ही स्वीकार कर लो, ठीक है भाई, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए बहुत अच्छा, आराम से बैठो। कारण तो बनते हैं दुनिया में, लेकिन विवेक अपना होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब कोई विवेकवान आदमी है, एक आदमी ने बोला तो मुझे किसी ने ऑफर दिया, बिजनेस होगा, पार्टनरशिप का ऑफर दिया होगा, सियाना व्यक्ति था, वो कहने लगा मुझे समझ आ गया कि ऐसे मुझे लालच नहीं दे रहा, लेकिन इसको अपना स्वार्थ है, पहले पीछे हट गया, बच गया ना, क्योंकि वो उसके स्वार्थ को समझ गया। बोला भाई जब इस व्यक्ति का स्वार्थ होता है तब तो बड़ी मीठी बातें करे, वैसे ही मुझे भी ना समझ में आ गया, मुझे ये पार्टी पार्टी खिलाना, ऑफर्स करना, सब करना, इसका मतलब ये लालची अपनी लालच करता है। अब जो जागा हुआ है वो किसी जाल में फंसेगा, ट्रैप में। जाल तो दुनिया में छाएगी, लालच का ही जाल, और तो कोई जाल है नहीं दुनिया में, लालच का जाल है, बिछा दिया, दाना डाल दिया बीच में, लोग का खाओ भाई। अब जो खाने गया वो फंसा,
और जो नहीं खाने गया वो बचा। अब ये भी नहीं कह सकते ऑफर्स नहीं आएंगे। यहाँ दादाजी बोलते हैं ऑफर को भी नो करना आ जाए आपको, मन को क्या फंसाता है? क्षणिक लोभ फंसाता है, क्षणिक लोभ है ना, क्योंकि प्रारब्ध का तो पता नहीं, लेकिन सामने लालच दिखता है, मन उसमें अटक जाता है। पर जो निरिच्छा है उसको चाह कहां से आएगी? इच्छा ही नहीं है तो आपको लालच फंसाएगा। इंसान कब फंसा? अंदर इच्छा की बाहर कारण बना इंसान फंसा। सीधी सी बात है, पर अंदर अगर इच्छा ना हो, अब कितने लोगों का हम सुनते हैं गलत कर्म, गलत कर्म कैसे हुआ? अंदर की इच्छा गलत कर्म कराती है, और एक दिन में नहीं होता गलत कर्म, कई बार मन में संकल्प आता है उसको हम दबाते हैं। समझो आज आपके पास कोई काम धंधा आप करते हो, आपके पास कैश आती है, कुछ आता है, कई बार लालच आता है अंदर से, रख लूं जेब में डाल लूं चुपचाप, कोई पूछेगा तो ये कह दूंगा। अब जब अपने मन को ये कहना पड़ रहा है कोई पूछेगा तो ये कह दूंगा, है तो लालच सीधा सीधा। या अपने को उस जगह रख के देख लो, ये धंधा मेरा होता कोई मेरे से ऐसी बेईमानी करता, क्या मैं उसको बेईमान कहता या ईमानदार कहता? अपने से पूछ लो, विचार की कमी हो जाती है पहली बात। दूसरी बात, कई बार आता है अंदर में, कर ले, रख ले, ऐसे कर ले, जैसे तैसे मन को मना के कड़वे घूंट पी के नहीं करते, लेकिन जब 10-11 अटैक मन कर चुका होता है ना, फिर एक बार चंबे में आ जाते। ध्यान रखना, ज्ञान का अभ्यास कम है तो कर्म में दोष है। ध्यान दो, लोभ ने कर्म करवाया, इच्छा ने कर्म करवाया, और अगर ये कर्म एक बार ना पकड़ा जाए, दोबारा तिबारा करने की हिम्मत आती नहीं आती, किसी से बात मत करो, सच्चे होना है ना अपने से अकेले में बात करो। दूसरे को तो बड़े विचार हैं आपको कहने के लिए, देने के लिए, लेकिन सच इधर वाले को पता है। कर्म में खोट कहां से आया? मन का खोट व्यवहार का खोट और कर्म का खोट बनता है। इस बात को जुटलाओ मत, मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे अंदर अंदर ही तो था जिसने कर्म कराया। ज्ञान की कसौटियां क्या कहती है? कभी अपने से बात करते थे, और ये कर्म एक दिन में नहीं हुआ, कोई भी गलत कर्म इंसान से एक दिन में नहीं होता, एक क्षण में नहीं होता, कितना गंदा कर्म क्यों ना हो, बड़े से बड़ा रेपिस्ट है एक दिन में नहीं ऐसी किसी लड़की को उठा लेता और गलत कर्म कर लेता। संकल्पों से तैयार होता है रोज 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 रोज, और एक दिन इतना भर जाता है कि कर्म कर जाता है। इंसान लोभ से लालच से भरता है, जब देखता है ना आता हुआ, जब देखता है सामने वाले को विश्वास करता हुआ, जब देखता है कोई मेरे को चेक करने वाला नहीं, जब सोचता है कि मैं तो ये चतुराई से कर सकता हूँ मेरा, फिर ये तब हिम्मत आती है कोई कर्म करने। ज्ञान की सच्चाई तो ये कहती है किसी का एक रुपया भी तुम्हारी तरफ आने लगे तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए, ज्ञान की ईमानदारी तो ये कहती है। और यही गलत अन्न, गलत मन, गलत धन, भले सत्संग में सालों भी बैठे रहो आपको शुद्ध नहीं होने देंगे। क्यों आपको कहा जाता है भीख मांग के भी गुजारा करना पड़ेगा?
लेकिन जो गलत है सो गलत है। गलत को गलत कहो और पश्चाताप करो, कर्म मेरे से कैसे हो सकता है ऐसा? क्या मैंने गुरु को भूल गया, गुरु का प्यार भूल गया, ज्ञान भूल गया, उनको हाजिर नाजिर जानना ही भूल गया? आज अगर अपना बच्चा बाजार के लिए पैसे ले जाए, 2000 ले गया, 1800-1700 का सामान ले रहा है, अगर 300 उसने जेब में रख लिया आपका, उसमें भी मन चल जाता है, पैसे तो वापिस देना, आपको रख ही लिए, हिसाब ही नहीं दिया। तो अगर आप कहीं पर नौकरी धंधा कर रहे हो, अगले का भी तो मन चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हिसाब हमेशा सीधा सीधा होना चाहिए। हम लोगों को भगवान इतना उससे चलाते थे, अभी भी हमको टेढ़ा हिसाब करना नहीं आता। समझो हमको किसी से 20 रुपए लेने और 10 देने, मेरे को आज भी लगता है तू 10 मेरे से ले फिर 20 मुझे दे। हम 10 ले ले तो डिससेटिस्फेक्शन रहता है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। भगवान जो उससे चलाते इतना सीधा थे। हम लोग बस में इकट्ठे जाते थे, यहाँ से आनंद पर्वत सत्संग करने जाते थे, 3-4-5 जने, जो भी फ्री होता था चलता था। हम लोग खास घरों में सब्जी वाले से इससे चेंज मिलती थी ना, एक थैली बना के रखी थी, टिकट तो कोई भी ले लेगा, फिर चक्कर पड़ेगा, तब खुले पैसों का चलनी का ठंडी की टिकटों का चक्कर होता था। सारी तरह की चेंज बैग में डाल के चलते, किसी ने भी ले ली टिकट, उतर के पूरे पूरे दिन के ले लेंगे, ऐसे चलाते थे तरीका होता था भाई। ऐसे कोई तुम्हारे पास आया, खाओ खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यवहार में अगर नहीं बराबर करोगे ना हिसाब, मन चलेगा सामने वाले का तुम्हारा, सीधी बात है। 10-10 पैसे का हम लोग हिसाब करते थे आपस में, इतने क्लियर रहते थे सब, 10-10 पैसे भी अपने बांट लिए। भगवान आते थे शुरू में, तब हम रहते नहीं थे वहां, आसपास चाय वाला एक फिक्स किया हुआ था, उससे रोज चाय पीते, अपनी अपनी चाय के पैसे भी सब देते थे, यही आज मैंने पिला दी कल तू पिला दी। तो भगवान बोलते थे अगर कल वो ना आया, बीमार हो गया, उसके घर कोई ट्रेजेडी होगी, मर गया, तो तेरा संकल्प तो लेके जाएगा, और तू उसका संकल्प क्या है, वहां मर गया, मेरी चाय भी पी पिला दो। आज हिसाब कर लो, हंसने की बातें नहीं है, व्यवहार की शुद्धि सिखाते थे। और हो सकता है मान लो अगला मर जाए, वो संकल्प ले गया मैंने चाय पिलानी, और हम भी आकर बैठे हैं, हमारी चाय तो पिला कर था, हमारी पी के चला कर। भगवान बोलते थे कर्म से कर्म की गांठ पड़ जाए, इतने साफ होके चलो, करना किसके लिए, करना किसके लिए, इसके लिए ये धोखे पास साथ चलेगा नहीं, ये यही रह जाएगा मरी मुर्दा। बाल बच्चों के लिए कांधी ना आए कम, पता नहीं कंधा भी देंगे कि नहीं, किसके लिए करो? अपने से ये पूछो किसके लिए। और ये सच्चाई के हम पर्दे डालते, मैंने लेना था, मैंने देना था, सब झूठ, लोभ ने करवाया था, लालच ने करवाया। कोई भी गलत कर्म अंदर की इच्छा करवाती है। अर्जुन कहता है भगवान आपको नहीं गलत काम करवाते, बोला नो, तेरी नाम राज इच्छा, इच्छा आ जाती। बात तो यही है ना, कारण आने पर आपका ईमान ना निचली तो आप जाने, कारण आने पर तो विश्वामित्र फसला, नहीं बदनाम है, कारण ही तो बना, धन का कारण। अब इंसान ईमानदार कब तक है, जब तक लोग का कारण नहीं है सामने। कारण आया तो ईमानदारी गई। रोज नोटों का लेन देन हो रहा हो फिर भी मन ना फिसले, मजा तो तब। उल्टा ये सोचो इन हाथों ने क्या काम किया, रोज इतना इधर का इधर, इधर का इधर, भाई
भगवान छुड़ाओ बस, पता नहीं किस किस का कितना कर्ज ले आया हूँ। और मन सोचता इतने इतने इधर इधर करते दो चार इधर खिसक गए तो क्या हो गया, गड़बड़ गई है। Be careful and you won't fall। ब्रह्मचर्य का पता चलता है जब स्त्री सामने आवे, लालच का पता चलता है जब धन पदार्थ सामने आवे, मोह का पता तब चलता है जब बाल बच्चे सामने आवे, वरना क्या पता चलता है। वरना तो सारे पंडित हैं, सारे ज्ञानी, कौन कम है। कारण नहीं है तो अज्ञानी भी ब्रह्म ज्ञानी है, कारण आने पे तो रोले हैं सारे के सारे। कारण हो तो पता चले, कारण नहीं तो गड़बड़ होती है। जहां कारण बनता है वहां मन फंसता है। बंदर कैसे फंसा, मटकी में चने डाल के मटकी गाड़ दी जमीन में, अब खाली हाथ को घुसाना आसान था सुराही के, घुसा लिया, अब मुट्ठी भर ली, अब बाहर कैसे आए। और लालच इतना, चने कैसे छोड़ दूं, हाथ में आए हुए चने छोड़ दूं, इसीलिए खाली करके हाथ निकाले तो बंदर फंसे ना, पर मुट्ठी भी खाली करता हूं। शिकारी क्या करता है, आके सिर्फ गर्दन से पकड़ता है, अब कोई गर्दन पकड़ेगा तो हाथ की चीज छूटेगी, हाथ खाली होगा, हाथ बाहर आ गया बंदर का, पर बंदर पकड़ा गया। ये मुट्ठी भर चने, जो हाथ ना आए, तभी कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगाया, हाथ भर गया था चने से, मुट्ठी भर गई, एक दाना भी मुंह तक ना आया, पकड़ा गया, फंस गया, गुलाम हो गया। अब बेटा चल, जगह जगह नाच दिखा, बाजी गर का बांदरा क्यों जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के रखे अपने हाथ। जैसे बाजी गर और बंदर, ऐसे जीव और मन, मन जीव को ऐसे नचाता है जैसे बाजीगर बंदर, क्योंकि लालच वाली मुट्ठी नहीं खोली जाती, बड़ा मुश्किल लगता है। बात ये, जहां लेना है वहां लेने की बात करो, जहां देना है वहां देने की बात करो, बाहर कोई सेटलमेंट नहीं है लालच। और लालच पहचानना हो सिर्फ थोड़ा आगे जाके देखना, अगर एक कर्म पकड़ा ना जाए क्या वो कर्म दोबारा होता या नहीं होता, बस इतना सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा। और आपको भी पता है अगर एक बार ना पकड़ा जाए हिम्मत हो जाती है दोबारा कर्म करने की। इंसान की बदनसीबी यही है, परमात्मा पर्दा इसलिए डालता है कि चलो इसको मौका दे दूं सुधरने का, पर बदनसीबी क्या है इंसान की, वो सोचता है मैं इतना शातिर चोर हूं, नहीं पकड़ा गया दोबारा कोशिश करता हूं, तिबारा करता हूं, चौबारा करता हूं। वो बार बार उन कर्मों को करने की कोशिश करता है, भगवान की ग्रेस नहीं जानता, ये तो ईश्वर ने मौका दे दिया, चलो मुझे बचा दिया, सुधरने का चांस दे दिया, वो सोचता है मैं इतनी होशियारी से कर्म कर गया, देखो पकड़ा ही नहीं गया, यहां से फंसता, यहां से बनता है। अपने कर्म की पहचान, ये भी बड़ी जरूरी बात है, अगर हमें अपने कर्म की पहचान ना होगी तो हम कभी साफ सच्चे नहीं हो पाएंगे। और ये मार्ग बार बार आपको कहता है बी क्लीन रादर देन क्लेवर, यहां चालाक होने से कुछ नहीं बनने का, बी क्लीन, साफ दिल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। यहां इस चीज की जरूरत है,
बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम अंदर खोट रखें बाहर से होशियारी करें। होशियारी किससे करनी, जिससे होशियारी कर रहे हो वहां भी वही बैठे, भूल जाते हो बार बार कौन बैठा। दोष मत देना किसी को, उसने मेरा कर्म बता दिया उसने नहीं, उस गढ़ में भी भगवान बैठा है, भगवान ने बचाया और कर्म बनाने से बचाया। ये मत कहना कि अगला व्यक्ति गलत है, दुश्मनी ना पालना, द्वेष ना पालना, मन द्वेष करने लगता है, नहीं फलाना व्यक्ति ऐसा है, तब कोई कैसा नहीं, क्यों गलत करते हो किसी को। ये तो भगवान ने आपकी रक्षा की, नहीं तो आप बढ़ जाते थे, नहीं बढ़ते। अगर भगवान आपका कर्म ना पकड़ता आप ना बचते, आप ना फंसते और ज्यादा फंस जाते। थैंकफुल हो जाओ, भगवान बहुत शुक्रिया मेरी रक्षा के लिए शुक्रिया। तुम बोलोगे रक्षा कहां की, फंसा दिया भगवान ने, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते तुम्हारे कर्म, अभी भी बचा है, शुक्रिया करो। यही तो सोच बदलने की है, और अपने को शर्मिंदा करो। इतना समय बैठ के सत्संग में तुम हाथ कैसे काला कर सकते हो और दिल कैसे काला कर सकते हो। हर कर्म की सावधानी चाहिए, हर कर्म की शुद्धि चाहिए। एक बार हम लोग भगवान के साथ गए हुए थे ट्रिप पे, लौट रहे थे हम लोग अजमेर से वापस, रास्ते में उन लोगों ने मूंगफली रखवा दी, और यूपी में मूंगफली नमक से खाते हैं, हम लोग तो ऐसे खाते हैं ना, ये लोग यूपी में नमक से खाते हैं मूंगफली। भगवान ने थोड़ा सा पूछा, रहे इन लोगों ने मूंगफली नहीं रखी है, मूंगफली निकाली गई छीनी गई कार में, बोले नमक, उनका नमक तो नहीं है गुरु जी इसमें, लड़कियों ने टोकरी बना के दिया इनने ऐसे कैसे रख ली, और सच में मुझे ध्यान भी नहीं था आप नमक से खाते हैं, नमक तो नहीं। खैर ढाबे होते हैं रास्ते में, उन लोगों ने बोला अभी नमक तो ये मिल जाएगा, गुरु जी गाड़ी रुकवाई दौड़ के नमक ले आया। नमक आया तो भगवान बोलते हैं पैसे दिए उसको, ढाबे वाले से नमक लिया ना एक डेढ़ चम्मच नमक ढाबे में, पैसे दिए नहीं गुरु जी, एक डेढ़ चम्मच नमक के कौन पैसे देता और कौन लेता, नमक नहीं खाते ऐसे किसी का, पैसे दे के आओ। अब ढाबे वाले को पैसे दे में ढाबे वाला का नमक के कोई पैसे देता, मैं तो नहीं लेता भैया, एक रुपया ले ले, पचास पैसे ले ले। इधर आए तो भगवान बोले मैं नमक नहीं खाती, वहां जाए वो कहे मैं नमक के पैसे नहीं लेता। आखिर उन्होंने बोला उसको, बोलो तू रख ले, तुझे ना इस्तेमाल करने हो तो किसी को दे, हमसे ले ले। आखिर उसको एक रुपया दिलवाया, उस समय नमक की थैली आ जाती थी एक दो रुपये, बोले पर उसको रुपया देते। इतना कर्म में साफ चलता है, उसको नमक के पैसे दिए जब उन्होंने गाड़ी में से देखा भाई पे आके रख दिया रुपया, फिर गाड़ी चलवाई और मूंगफली खाई, बोले खाएंगे मूंगफली वापिस रख दो हमें नहीं खाना, आगे कोई दुकान आएगी अपनी थैली खरीदेंगे नमक की फिर खाएंगे। इतनी कर्म में शुद्धि चाहिए, इंसानों के पास नहीं मिलेगी तुम्हें इसकी शुद्धि। सत्संग के माहौल में देख लो मना है, लेकिन गुरु को बिना बताए बहुत काम करते हैं, किसी के घर जा पहुंचे, किससे कोई बेनिफिट, किससे कोई बेनिफिट, कहीं मेरा बिजनेस चल जाए, कहीं मुझे घर मिल जाए, कहीं मुझे कुछ मिल जाए,
शुद्ध नहीं है, व्यवहार नहीं है, क्योंकि सोच ही नहीं। सारा दिन दिमाग को माया में घूमता, ज्ञान में तो घूमता नहीं। अगर ज्ञान में चलो तो एक एक कर्म की सावधानी आ जाए, एक एक कर्म में प्योरिटी आ जाए। भगवान तो बोलते थे घर में भी अगर कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, बता दो। आदत होती है ना बच्चों को, उठा के खा लिया, चोरी से खा लिया। भगवान बोलते थे नहीं, घर में भी बता दो एप्पल खा रहे। अगले का तो मन चलेगा एप्पल कहाँ चलेगा। माँ सोच रही है मिठाई का डिब्बा भरा पड़ा है, तुमने आते जाते दो दो पीस खा लिए, मेहमान आ गया वो चली, हैरान हो जाएगी मिठाई कहाँ चली गई। हम लोगों को अपने घर में भी एक बिस्किट खाने की आदत होनी, उठा कर मांग के खाते, भैया को बिस्किट दे दो, भूख लग रही है, आदत ही ऐसी बन रही है। तो व्यवहार की शुद्धि भी तो कोई चीज है, पर ये जब इच्छा आ गई ना बीच में, इसने काम खराब कर दिया। ज्ञानी जो अपनी आत्मा में भरपूर है, उससे ऐसे किसी कर्म की संभावना ही नहीं बनती। तो चाहिए किसके लिए, जो है वो कहता है ये भी बहुत ज्यादा है, इसका क्या करूं, खर्च ही नहीं हो रहा, करें तो करें क्या, इसका ऐसे ही पड़ा हुआ क्या करेंगे, पदार्थ भी क्या करेंगे, चीजें भी क्या करेंगे। भगवान को कोई दे जाता था चीजें, सब शौक से ले आते थे, वो बांटते रहते थे, तेरी बर्थडे है तू ये ले जा, तेरा ये है तू ये ले जा, हम क्या करेंगे, कितने पेन से लिख लेंगे। पर लोगों को और कुछ नहीं मिलता, डायरी पेन है, कितनी डायरी लिखते हैं, कितने पेन से लिखते हैं, वो भी बांटते रहते हैं। चल तू खुश हो जा, चल तू खुश हो जा, चल तू खुश हो जा, क्या करेगा ज्ञानी को, तो पहले ही हुआ आवश्यकता ही नहीं किसी चीज की, वो तो भरपूर है अपने में, तो इच्छा कहां से हुई। तो ना जड़ पदार्थों की इच्छा, ना मान सम्मान की इच्छा, ना बड़े बनने की इच्छा। बड़े होके भी देख लिया बड़ा को ठावन, बड़ा दुख पाऊंगा, छोटे का दुख दूर, वो भी कोई परेशानी नहीं। बड़ाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत टूटी। स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से हम छूटे, मान बड़ाई का भी रूप देख लिया, वो भी नहीं चाहिए। तो आपसे आप में संतुष्ट हो गए। मजा ये जब चारों तरफ से मन निकल जाता है तो आपसे आपने संतुष्ट होने लगता है, और जब तक बाहर किसी व्यक्ति वस्तु या विषय में लगा रहता है अपने में संतुष्टि नहीं मिलती। यही फर्क, जब बाहर कुछ नहीं चाहिए तो स्वयं में संतुष्टि, जब बाहर कुछ चाहिए तो आत्म संतुष्टि नहीं आ सकती। इसीलिए बार बार कहा जाता है आत्म अभ्यास में लगो, अपने निश्चय में आओ। जो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है उसको बाहर कोई चाहना पैदा हो ही नहीं सकती। किस चीज की इच्छा करे, चाहना करे भी तो किसकी, कुछ अप्राप्त महसूस होगा तो इच्छा करेगा। भाई मान की इच्छा हो जाए, मैंने जब अपना मान इतना बड़ा कर दिया, इनका मान तो झूठा जो मिलने वाला है, अब मान की इच्छा कैसे। जो पहले इतना कुछ है वही नहीं इस्तेमाल हो पा रहा, पदार्थों की इच्छा कैसे, किस चीज की इच्छा। और प्रकृति ऐसी है जहां चाहा छोड़ दो इतना इंतजाम कर देती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अरे भगवान नहीं चाहिए मैं करूं क्या, चाहिए ही नहीं। बल्कि ज्ञानी के सदके औरों का काम हो जाता है, कितने खाते हैं ज्ञानी के, कितने भूलते हैं ज्ञानी के सदके, कितनों को मिलता है ज्ञानी के सदके। भगवान बैठे साड़ियां भी बांटते रहते हैं, एक दो को तो मैंने सामने देखा, उन्होंने तारीफ कर दी, भगवान आज जो साड़ी पहनी थी बड़ी अच्छी लग रही, मंगवा के उसको थमा दी, बोला तो ले तू पहन, तेरे को अच्छी लगी तो खुश हो। कोई बोलता था अरे भगवान नहीं है, बोले कोई बात नहीं, इसको अच्छी लगी पहन, खुश हो जाए।
ज्ञानी के सदके को पता नहीं कितनों की जारत चल जाते, कितनों को घुमाता है, कितनों को खिलाता है, अपनी थाली से खिलाता रहता है। मुफे में एक थाली ले लो, खाते रहो जितना मिलते। ज्ञानी अच्छा हो गया, प्रकृति ने थाली बना दी। अब तुम सब भी आता, शादी में माँ अपने सारे बच्चों को अपनी थाली में खिला देती, सब संतुष्ट हो गए, वो भी अच्छा हो गए, वो भी नहीं देखते किसी की थाली की तरह। क्या काम आया? ज्ञान का निश्चय। आई बात समझ में?